क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट। ये हमें फाइंड करना है कि इसमें सेट कौन सा सिंगलटन है और कौन सा नल सेट है। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो एक्स 3 और 4 के बीच में होना चाहिए और साथ ही साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 और 4 के बीच में हो, ठीक है, तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ इवन प्राइम नंबर में केवल एक ही नंबर आएगा, वो 2। तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये सिंगलटन सेट होगा। फिर इस क्वेश्चन में एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेट के अंदर जो नंबर होगा वो इसका सोल्यूशन होना चाहिए और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस सेट, ये भी सेट एम्प्टी सेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। हमें ये बताना है यहाँ पे कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो पहला एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x-1 इज इक्वल 0। यानी हमें वो एक्स लिखना है, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पर इसके अंदर एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट होगा तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर। तो हमें वो सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर है। तो ये भी इनफाइनाइट नंबर होगा, 2, 3, 5, 7, इस तरीके से सारे प्राइम नंबर्स का ये सेट होगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स होगा, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसे यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x² इज इक्वल टू 36। यानी हमें वो x लिखने हैं जो इंटीजर हो और साथ ही साथ वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन +-6 आएगा जो कि दोनों इंटीजर हैं। तो इस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट आएंगे, -6 एंड 6। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल एंड इफ इक्वल गिव रीज़न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। बी सेट के अंदर है 3, 5, 5, 1, 9, 7। तो ये बी सेट के अंदर हमें पता है कि इसमें कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो इसको अगर जो एक एक एलिमेंट लिखेंगे तो यही सेट आ जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 2, 3। बी के अंदर है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा -2 एंड -3, ठीक है। तो बी और ए सेट इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे दे आर नॉट इक्वल सेट, क्योंकि एलिमेंट्स इनके इक्वल नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन में, फाइंड द सेट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 8 सेट लिखे हुए हैं। हमें इनमें सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें इक्वल होगा और कौन सा इक्विवेलेंट होगा। हमें ये पता है कि इक्वल सेट वो होंगे जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो, और इक्विवेलेंट वो होंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या सेम हो। तो यहाँ पे देखिए, ए और ई दोनों में एलिमेंट की संख्या एलिमेंट सेम है, तो इस वजह से ये इक्वल सेट होगा। ऐसे ही बी और डी सेट 1, 2, 3, 5, 3, 1, 2, 5। हमें पता कि ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो इस वजह से ये दोनों सेट इक्वल होंगे। एलिमेंट सेम है दोनों में, ऑर्डर बस फर्क हो रहा है इसमें। ऐसे ही सी और एफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट में देखते हैं कि जो जिस जिनकी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ए, ई और एच, ये तीनों में
एलिमेंट्स इक्वल हैं, दो हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट। तो एन ए इज इक्वल टू, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, ये दो है तो इस वजह से ए इक्वलेंट होंगे। सिमिलरली बी डी और जी सेट में, बी डी और जी सेट में सब में चार चार एलिमेंट हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वलेंट सेट होंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और कुछ क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे, फिर डाउट हम लोग क्लास में इनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।